शर्मा। जनप्रतिनिधि होने का फायदा किस तरह उठाया जा सकता है, इसका साफ उदाहरण धर्मपुरा स्थित कांगोली में देखा जा रहा है, जहां महाराष्ट्र से आए एक परिवार को सिर्फ इसलिए परेशान किया जा रहा है क्योंकि वहां के जनप्रतिनिधि संग्राम सिंह राणा की मांग को उत्पीड़ित परिवार पूरा नहीं कर पाया। दरअसल यह मामला शहर से स्थित धर्मपुरा के कांगोली का है। पीड़ित सतीश बताते हैं कि वह महाराष्ट्र से आकर बस्तर में अपना भरण पोषण कर रहे हैं। इसी दौरान कांगोली में स्थित एक नजूल जमीन के बारे में उनको मालूम पड़ता है। वह अपने आसियाने बनाने के बारे में सपने तक देखने लगते हैं, लेकिन सपना कैसे साकार होता, इनके पीछे वार्ड के पार्षद संग्राम सिंह राणा का नजर जो पड़ गया था। हालांकि घर बनाते समय कोई विवाद की स्थिति पैदा नहीं हुई, लेकिन जैसे ही उनका छोटा सा आसियाना बनकर तैयार हुआ तो उनके आसियाने को तोड़ने वार्ड के जनप्रतिनिधि ही पड़ गए। गुरु गोविंद सिंह वार्ड के पार्षद संग्राम सिंह राणा को सतीश के परिवार की खुशी देखी नहीं गई, वह उस परिवार को प्रताड़ित करने में लग गए। इस प्रताड़ना से भी उनका मन नहीं भरा, आखिर उनका मकसद जो पूरा नहीं हुआ हो रहा था। यहाँ तक कि पीड़ित सतीश को संग्राम ने अपने घर बुलाकर बैठक भी की। बैठक में संग्राम ने पीड़ित परिवार से कहते हैं कि जब घर बनाने में इतना पैसा खर्च हो गया है तो आप 5 लाख रुपए दे दो, उसके बाद आपको कोई प्रताड़ित नहीं करेगा। सभी अधिकारियों से मेरा साठ गांठ है, मैं मैनेज कर लूंगा। इधर पीड़ित परिवार का कहना है कि घर का एनओसी मिलने के बावजूद अगर प्रशासन उनके मकान को तोड़ता है तो पीड़ित परिवार समेत जहर खाकर आत्महत्या कर लेंगे, जिसका जिम्मेदार संग्राम सिंह राणा होंगे। अब देखना यह होगा कि क्या भूमाफिया का किरदार निभाते हुए संग्राम सिंह राणा से प्रताड़ित होना पड़ेगा या फिर पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। एक्सप्रेस रिपोर्टर आशुतोष तिवारी।